अब हम लोग आगे नहीं जा सकते। ओ नो, क्या होगा? ओ बिड़ू, ओ कहां से कटा है रास्ता? और रास्ता तो वैसे का वैसा ही है। और तू भी क्या ऐसी बात में विश्वास करता है? और नहीं तो क्या? ए बिल्ली मास्टर, एक शिक्षक होके तू ऐसी अंधश्रद्धा में विश्वास करता है? तेरे में कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? तू बच्चों को भी क्या यही पढ़ाता है? नहीं नहीं चाचा जी, वैसे तो मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन तो फिर आज बच्चों का रिजल्ट है ना, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सही बात है बड़े मास्टर की, अब जब तक कोई दूसरा जाएगा नहीं तब तक हम लोग जा नहीं सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी पनौती किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये तो गलत बात है। ये भी बात सही है। तो क्या करें, यहीं खड़े रहें? अगर हम लेट हो गए और रिजल्ट खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। अरे भाई सोड़ी, हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा ही। अरे वो कोई वड़ा पाव थोड़ी है जो लोग दो दो तीन दिन खरीद के खत्म कर देते। वड़ा पाव? हंस, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। अरे आप सब लोग यहाँ? वो अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों का रिजल्ट है इसलिए। भाई बच्चों, अच्छा रिजल्ट लेकर आना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंकल। मैं भी आप लोगों के साथ चलता, लेकिन मुझे अर्जेंट काम के लिए थोड़ा बाहर जाना है, मैं वो खत्म करके आता हूँ। लेकिन आप लोग गुड न्यूज सुनाना, ठीक है? मतलब अभी बिल्ली ने रास्ता कटा है। हम सब लोग इसीलिए रुक गए हैं ताकि आपसे गुन्ना हो। अगर आप रास्ता काटेंगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है। वैसे तो इन सब बातों में मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं। जब पत्रकार पोपटलाल बच्चों पे आने वाली हर पनौती को अपने सर लेने को तैयार है। भाभी क्या बात कही आपकी माँ ने, फर्स्ट क्लास। अरे वाह वाह वाह, पोपटलाल तू बलि का पोपट बनने से बच गया भाई। बलि का बकरा होता है ना भिड़े मास्टर। चलिए चलिए, हम सब लोग अभी 10 कदम पीछे जाते हैं फिर वापस आते हैं। चलिए पोपट भाई। चलिए चलिए। अरे बाप रे, मैं इतना लेट हो गया, सब रिजल्ट लेके वापस भी आ गए। क्या रिजल्ट आया गया? क्या? अरे अभी बिल्ली ने रास्ता काटा और अब वही रास्ता काट कर आ गए। क्या बिल्ली, क्या रास्ता, क्या बोल रही? अरे वो सब छोड़, रिजल्ट क्या आया वो बता ना। यह रिजल्ट लेने गया कौन? हम लोग रिजल्ट लेने जा ही रहे थे कि बिल्ली ने रास्ता काटा और ऊपर से आपने अब शगुन करवा दिया। लगता है अब टपुसेने का रिजल्ट खराब ही आएगा। अरे बहू, अगर बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता तो कोई भी देश सरहद पर सैन्य खड़ा नहीं करता। सब लोग बिल्लियां ही पालते और सरहद पर यहाँ वहाँ बिल्लियों को दौड़ाते और फिर जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक सरहद पार करता तो वही खत्म हो जाता। अरे ऐसी सब बातों में टाइम खोटी करने से अच्छा है चलो जल्दी से रिजल्ट लेने स्कूल चलते हैं। सही बात है। सोनी तू एक काम कर, ये सब लेडीज और बच्चों को लेकर जीप में आ, हम सब लोग रिक्शा से आते हैं। जी चाचा जी। जो बोले सोनिया, जय श्री अकाल। बोलो अम्मे मात की जय।
बोलेगी पापा। ऐसा लग रहा है हम लोग रिजल्ट लेने नहीं यात्रा पे जा रहे। रिजल्ट डे 2013। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। आज एक बहुत ही तनाव भरा दिन है। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ स्ट्रेस है, तनाव है, हर कोई परेशान है कि आखिर आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज है रिजल्ट का दिन। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से सारे पेरेंट्स के चेहरे पर इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है। आइए उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आज आपकी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत टेंशन है, बस भगवान मेरी बेटी को पास कर दे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से हर पेरेंट की सिर्फ यही दुआ है कि ईश्वर कैसे भी करके उनके बच्चे को पास करा दे। अरे एम्बुलेंस, वो भी स्कूल में। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी, अब ये एम्बुलेंस स्कूल में क्या कर रही है? ये मेरी एम्बुलेंस है, मैं अपने बेटे का रिजल्ट देने आया हूँ। सॉरी, मुझे लगा ये एम्बुलेंस पेरेंट्स के लिए है। नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो कभी किसी पेरेंट को हार्ट अटैक दे सकता है, किसी का हार्ट फेल कर सकता है, या फिर उनका बीपी हाई कर सकता है। ये एक रिजल्ट किसी भी पेरेंट को बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। लीजिए, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी भी यहाँ पर अपने बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए आ चुके हैं। चलिए अब उनसे बात करते हैं। दया भाभी, आज आप अपने बेटे टप्पू का रिजल्ट लेने के लिए आई हैं। प्लीज हमें बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरा दिल तो जोरों से धक 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 कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गिर के जंगल के सारे शेर मेरे सामने खड़े हो। और मैं तो कहता हूँ स्कूल वाले सबके रिजल्ट जल्दी से दे दें, वरना इन सबके सर बम की तरह फट जाएंगे। भीड़े भाई, आप तो खुद शिक्षक हैं, तो इस रिजल्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से रिजल्ट यानी के सर पर उगे हुए बाल। हाँ, मतलब कैसे कि सर पर जब बाल होते तो आदमी सुन मतलब सर पर जब बाल होते तो आदमी सुंदर दिखता है, वैसे ही रिजल्ट अच्छा लगने से सब सुंदर ही लगता है। लेकिन असली कमाल इस बाल के नीचे छिपे हुए दिमाग का है। अभी कुछ लोग विग लगा के सुंदर दिखते हैं, लेकिन वो नकली सुंदरता होती है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आप कॉपी करके या चीटिंग करके पास हुए हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि आपके सर पे बाल हो ना हो, आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए। तो ये स्कूल वाले हमें बाल देंगे कि रिजल्ट? दोनों। मतलब जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उनके माँ बाप अपने बाल नोचेंगे ना, तो वो बालों का टीचर लोग क्या करेंगे, तो सब में बांट देंगे ना, तो उनको रिजल्ट भी मिल जाएगा और बाल भी मिल जाएंगे। दया भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है। आपने सही बात किसकी बात को बोला? नहीं बात को। ओके, थैंक यू भेड़े भाई। अब बच्चों से बात करते हैं। टप्पू सेना, आज आप लोगों का रिजल्ट है, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप लोग भी अपने पेरेंट्स की तरह परेशान हैं, टेंस्ड हैं? अब हम कल की चिंता में हमारा आज तो नहीं बिगाड़ सकते ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करेंगे। ओ प्लानिंग वाले बाबा, अगर आपका रिजल्ट बराबर नहीं आया ना, तो आपकी आगे की प्लानिंग मैं करूंगा। चलो चलो चलो, अभी चलो यहाँ से। तो देखा आप लोगों ने कि सब लोग रिजल्ट को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। एक ये रिजल्ट ही है जो सारे देश को या तो आगे ले जाता है या फिर पीछे ले जाता है। आखिर अब देखते हैं इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, इन लोगों का रिजल्ट क्या आता है। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक पर। ओके, अगला रिजल्ट है। अगला रिजल्ट ध्रुव मर्चेंट। सॉरी,
आपका बेटा फेल हो गया है। देखा, हो गया ना फेल। जब बोलता था पढ़ाई करो तब नहीं, दिन भर क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, दिन भर खेल खेल खेल, अब हो गया फेल। चल अभी घर पे। ये हमारा टप्पू भी पूरा दिन क्रिकेट ही खेलता है, कहीं उसका रिजल्ट तो इसके जैसा नहीं आएगा ना। सब सुन बोलिए, भगवान का नाम ना सब अच्छा ही होगा। कुछ माँ बाप खुद बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनको ट्यूशन क्लास भेज देते हैं और फिर ये हाल होता है। उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर खुद ध्यान देना चाहिए। एक्सक्यूज मी भिड़े भाई, हमने भी गोली को आपके भरोसे पर छोड़ा था। हाँ कोमल भाभी, मैंने भी पूरी मेहनत की है। ए गोरिया, तूने पेपर ठीक से लिखा था ना? भिड़े अंकल, मैंने पेपर तो दोनों हाथ से लिखा है। हैं? मतलब आंसर शीट को ओवर ईटिंग हो जाए इतना लिखा है, और उसके बाद भी अगर, तो फिर मेरी गलती नहीं है। सही बात है हंस। अगला रिजल्ट है गोली हंसराज हाथी। यस मैम। बेटा जा। गोली, तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हें ए प्लस ग्रेड आया है। ए प्लस! थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा। अरे क्या बात है, अभिनंदन है। चलो डॉक्टर बनना था, आगे जाके है आपकी तरह। नमस्ते बिली मास्टर। थैंक यू बिली भाई। अरे क्या हुआ भिड़े मास्टर, तुम्हारी तो मेहनत रंग लाई भाई। अरे भिड़े भाई का सिखाना मेहंदी जैसा है, तो आखिर में रंग तो निखर के आएगा ही। अगला रिजल्ट दिनेश पटेल। नहीं आए। अच्छा दिनेश, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले, सी ग्रेड। सी ग्रेड? अरे सी ग्रेड है तो क्या हुआ बेटा, तू पास तो हुआ बेटा। बेटा पास हुआ, सी ग्रेड में पास हुआ, क्या हुआ बेटा? कल चल तुझे मैं आइसक्रीम खिला दो, चल आ जा। अगला रिजल्ट सोनू आत्माराम भिड़े। सोनू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा रिजल्ट आएगा। तुम क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में नंबर वन आई हो। इतनी खुशी की बात है और तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़े? नहीं चाचा जी, मतलब मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में मेरी सोनू पूरे स्कूल में टॉप टॉप आई है। अरे वाह सोनू, वाह वाह वाह। अरे माधवी, सॉरी। अरे शाबाश बेटा सोनू, शाबाश। वाह सोनू, तूने तो कमाल कर दिया, अब पूरी टपू सेना सर ऊंचा करके घूमेगी। अरे हमारी सोनू तो लाखों में एक है बेटा, हमेशा नंबर वन पर रहो। झुक झुक जियो बेटा, हमेशा नंबर वन पर रहो। थैंक यू आंटी। वेल डन सोनू, तुमने तो पूरी सोसाइटी का नाम रोशन कर दिया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। मिस्टर भिड़े, अपना रिपोर्ट कार्ड तो ले जाइए। तो साथ राहिला साहब। इसी के मारे। अगला रिजल्ट है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हमारा है, हमारा है। अरे भाई वो बेटा किसका है वो नहीं पूछ रहे, अभी उसकी बारी है, बुला रहे।
तो मैं ऐसा कहाँ बोली कि हमारा बेटा है? मैं तो बोली कि हम आ रहे हैं। खोटड़ी चटनी छुटी आपका बेटा फेल हो गया है। आपका बेटा फेल हो गया है। है माँ, माताजी करके क्या फायदा है? बोल रहा था पढ़ाई करो लेकिन नहीं, बस खेल खेल खेल। बापूजी इसलिए मैं इसको बैट नहीं दिला रहा था, लेकिन आप नहीं, बैठ दे इसको, बैट लेके इसके लिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? टप्पू शरारती है लेकिन वो होशियार भी है। पापा ये मेरा रिजल्ट नहीं है। टीचर ये देखिए, ये टीनू का रिजल्ट है। ओह सॉरी, मैंने गलती से किसी दूसरे का रिजल्ट दे दिया। टप्पू भी अच्छे मार्क्स से पास हो गया है, उसे भी A प्लस ग्रेड आया है। टीचर जी, रिजल्ट अनाउंस करने में ध्यान रखिए, आपके पास ना पास के चक्कर में किसी को बाईपास कराने की नौबत आ सकती है। हाँ बराबर है। ओ मेरा गोगी पुत्र A ग्रेड से पास हो गया। अरे सोड़ी, सारे बच्चे A ग्रेड से पास हुए हैं। और सोड़ी तुझे पता है, ये भिड़े भाई के सोनू अरे पूरा स्कूल में नंबर वन आई है। अरे आज तो सोसाइटी में जश्न होगा, जश्न। दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, वो रिजल्ट जिसका सभी को इंतजार था आ गया, और रिजल्ट भी ऐसा आया कि सबके चेहरों पे मुस्कान है। गुरु भिड़े और शिष्य टप्पू सेना दोनों की तारीफ हो रही है सब, और तारीफ क्यों हो, जब रिजल्ट अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें बचपन में एक चीज कहा करते थे, ज्यादा हंसो मत, अगर ज्यादा हंसोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, हंसी के बाद गम। जिंदगी है साहब, कभी खुशी कभी गम, कभी फूल तो कभी बम, और ये गोकुल धाम है। यहाँ पे अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी कब ट्विस्ट ले ले पता नहीं चलता। गर्मी के बाद बरसात आना स्वाभाविक है, तो यहाँ भी बरसात तो होगी लेकिन हंसी की। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।